नमस्कार दोस्तों, आज शुरू करते हैं कार्तिक मास महात्म के 22वें दिन की कथा, अध्याय 22 में राजा चोल और विष्णुदास का भगवान का द्वारपाल बनना। विष्णुगण बोले, हे धर्मदत्त, एक दिन विष्णुदास नित्य कर्म कर रहा था, तब उसका बनाया हुआ भोजन कोई मनुष्य छिपकर चुरा कर ले गया। भोजन पदार्थों को वहां न देखकर दोबारा भोजन बनने में देरी होने के कारण सायंकाल की पूजा में विघ्न हो जाएगा, ऐसा सोच समझकर उसने भोजन नहीं बनाया। दूसरे दिन रसोई तैयार करके जो भगवान के भोग की तैयारी की, इतने में ही कोई छिपकर फिर से भोजन चुरा कर ले गया। नारद जी बोले, हे राजन, इस प्रकार 7 दिन तक उसकी रसोई को कोई चुरा कर ले जाता रहा। वह महा आश्चर्य से युक्त होकर अपने मन में विचारने लगा कि यह सन्यासी का स्थान है, कभी इसका त्याग नहीं करूंगा। यदि फिर से रसोई बनाऊं तो सायंकाल की पूजा कैसे हो, और भोजन बनाकर बिना भगवान के भोग रखे भोजन करना भी तो वैष्णवों के लिए उचित नहीं है। मैं 7 दिन से उपवास व्रति हूँ, आज भोजन की रक्षा करूंगा। इस प्रकार सोचकर रसोई बनाकर वह वहीं छिपकर बैठ गया। इतने में ही देखा कि भोजन चुराने एक चांडाल आया है, भूख से सताया हुआ, दुखी और हाड़ चर्म अवशेष वाले उस चांडाल को देखकर ब्राह्मण को उस पर दया आई और वह बहुत दुखी हुआ। उस अन्न को ले जाने वाले चांडाल को देखकर ब्राह्मण बोला, ठहर जा, अरे यह रूखा सूखा भोजन क्यों खाता है, घी भी लेता जा, चिपड़ कर खाना। ऐसा कहते हुए ब्राह्मण घी का पात्र लेकर उसके पीछे पीछे दौड़ा। उस आते हुए ब्राह्मण को देखकर डर के मारे चांडाल और तेजी से दौड़ने लगा और मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब वह ब्राह्मण मूर्छित अवस्था में उस चांडाल को देखकर अपने वस्त्र से उसे हवा करने लगा। जब वह चांडाल उठकर खड़ा हुआ तो विष्णुदास ने उसे शंख चक्र गदा और पद्मधारी साक्षात भगवान नारायण के रूप में देखा, जिनके पीले वस्त्र, 4 भुजा, छाती में लक्ष्मी का चिन्ह है, किरीट पहने हैं, अलसी के फूल के समान प्रकाशमान ऐसे भगवान को कौस्तुभ मणि सहित देखा। सात्विक भावों से युक्त ब्राह्मण उनको देखकर स्तुति और नमस्कार करना चाहता था कि उसी समय इंद्र आदि देवता वहां आ गए। गंधर्व और अप्सराएं प्रसन्नता से नाचने लगी। उसी समय वह स्थान सैकड़ों विमानों और देवता तथा ऋषि गणों से भर गया तथा गीत और बाजों का मनोहारी शब्द होने लगा। उसके बाद विष्णु भगवान सात्विक व्रत वाले अपने भक्त का आलिंगन कर और अपना स्वरूप उसको देकर वैकुंठ को ले गए। सुंदर विमान में बैठे हुए विष्णु के समीप जाते हुए विष्णुदास को यज्ञ में दीक्षा युक्त राजा चोल ने देखा। वैकुंठ लोक को जाते हुए विप्र को देखकर अपने गुरु मुद्गल को बुलाकर राजा चोल बोले, जिसकी स्पर्धा से मैंने यह यज्ञ और दान आदि किया था, वही विष्णु रूप धारण करने वाला ब्राह्मण वैकुंठ को जा रहा है। दीक्षा लेकर मैंने इस वैष्णव क्षेत्र में हवन किया और दान आदि से ब्राह्मणों का मन प्रसन्न किया, परंतु आज तक भगवान विष्णु मुझसे प्रसन्न नहीं हुए। और उन्होंने विष्णुदास की भक्ति से प्रसन्न होकर उसको साक्षात्कार दिया है। इससे पता चलता है कि दान और यज्ञ से भगवान विष्णु उतने प्रसन्न नहीं होते जितने भक्ति से प्रसन्न होते हैं। गण बोले, तब राजा ने अपना भांजा गद्दी पर बैठाया, क्योंकि वह बचपन से ही यज्ञ की दीक्षा में रहा था, इसी से उसके कोई पुत्र नहीं हुआ। इससे अब तक उसके देश में भांजे ही राज्य के उत्तराधिकारी होते चले आ रहे हैं। राजा चोल के कोई पुत्र न होने के कारण उसने अपने भांजे को राजगद्दी का अधिकारी बना दिया और आप विष्णु भगवान की भक्ति करने लगा। बहुत काल तक भक्ति करने के बाद भी भगवान विष्णु ने दर्शन नहीं दिए तो उसने अग्नि कुंड में कूदकर प्राण त्यागने का विचार किया। तत्पश्चात
चोल यज्ञशाला में जाकर अग्नि के आगे खड़े होकर विष्णु से प्रार्थना करने लगा। हे विष्णु, हे हरि, मुझको मन, वाणी और कर्म से स्थित भक्ति दो। यह कहकर राजा सबके देखते देखते अग्नि में कूद पड़ा। तब मुद्गल ने क्रोध में अपनी शिखा उखाड़कर चला दी। तभी से उनके गोत्र में मुद्गल शिखाहीन होते आ रहे हैं। तभी उस समय अग्नि कुंड से प्रकट हुए भक्त वत्सल भगवान ने राजा चोल को आलिंगन करके अपने श्रेष्ठ विमान में चढ़ा लिया और अपना स्वरूप देकर उसको सब देवताओं समेत वैकुंठ को ले गए। अतः जो विष्णु दास है वह पुण्यशील हो गया और जो राजा चोल है वो सुशील हो गया। इन दोनों ही बराबर रूप वालों को भगवान ने अपना द्वारपाल बना लिया। इति श्री कार्तिक मास महात्म 22वां अध्याय संपूर्ण।